Mr. Mridul Chakravorty, sir, the HR head of TCS from Nagpur. Thank you so much, sir. Now I request Mr. Mridul Chakravorty, sir, HR head, TCS Nagpur. Good afternoon, everyone. मुझे लगा था कि मैं किसी एक कैंपस में जाऊंगा, स्टूडेंट से मिलूंगा, और मैंने आपके सेक्रेटरी सर के बारे में बहुत सुना था, बहुत ज़्यादा सुना था. इनके एंटरप्राइजिंग जो एनर्जी है, जो इनका इन्फेक्शियस एनर्जी है, इसके बारे में बहुत सुना था. तो सर, आपसे मिलने के लिए तो आना ही था, बट यहाँ आने के बाद मैंने ये देखा कि इनकी जो एनर्जी है वो आप सब में बहुत अच्छी तरह से ट्रांसमिट हो चुकी है. सो आई थैंक ऑल ऑफ यू. यहाँ इस बच्ची ने बोला कि टू शेयर योर वर्ड्स ऑफ विजडम. अब बाल सफेद हो गए हैं पर विजडम है या नहीं पता नहीं, क्योंकि एक बात तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे में है जो आपको निकालना है, ठीक है. और एचआर में हूं तो बोलने की एक आदत सी है, है ना, भाषण देने की एक आदत सी है, तो दे देता हूं, है ना, चलेगा. चलो, प्रॉब्लम नंबर वन. सर को बोल रहा था सुबह कि जब हम बच्चे होते हैं तो हर कोई जब भी बच्चे को मिलता है क्या करता है, उसको सिखाता है कुछ ना कुछ, है कि नहीं. हाँ, आ करके दिखा, मम्मी बोल, पापा बोल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल, कुछ ना कुछ बोल, कुछ सिखाने की कोशिश करता है कि नहीं. तो ये जो कोशिश होती है कुछ सिखाने की, इससे जो नेचुरल लर्निंग एबिलिटी होती है That gets impacted. तो आपको हमेशा ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, अगले को बहुत कुछ आता है, तो मैं अगले से सीखूंगा. हर एक इंसान, भगवान ने जो बनाया है ना, हर एक इंसान को वो फिंगरप्रिंट्स के तरह अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो कोई भी एक जैसा तो है नहीं. अब आप सचिन तेंदुलकर बनने की कोशिश करोगे तो सचिन तेंदुलकर तो बन नहीं पाओगे. अब आप मेरे जैसा बनने की कोशिश करोगे, बनना तो है ही नहीं मेरे जैसा, बिल्कुल भी नहीं, मगर कोशिश भी करोगे तो भी नहीं बन पाओगे. तो आप किसके जैसा बनोगे, आप किसके जैसा बनोगे? खुद के जैसा. हाँ, खुद के जैसा. आप खुद के जैसा बनोगे, तो खुद के जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ उठाइए, खुद के जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद के अंदर की क्वालिटीज को पहचानना होगा. खुद के अंदर की क्वालिटीज को पहचानना होगा. अच्छा, और उसके लिए तो आपको हिमालय जाना पड़ेगा. सर, बैक बेंचर्स से सुनना चाहिए, बैक बेंचर्स. हाँ बताइए. हैं? खुद के प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए. कुछ बनाने की कोशिश करोगे तो बनेगा नहीं. सर, सेट करने पड़ेंगे ना. सेट करने पड़ेंगे तो सेट कहां से करोगे? सर, खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले. कहां से करोगे? खुद को टेस्ट करना पड़ेगा. किस चीज से टेस्ट करोगे? जो जिसके पीछे सब भाग रहे हैं. किसके पीछे भाग रहे हैं? कंपटीशन. किस चीज का कंपटीशन? चैलेंजेस, करियर. किसका चैलेंज, कौन सा करियर? सर, फ्यूचर का चैलेंज. कोई चैलेंज नहीं है, कोई करियर नहीं है. सारे साइंस के स्टूडेंट्स हो? सारे साइंस के स्टूडेंट्स है ना? यस सर. हाँ, ब्रेन का वेट कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? रॉन्ग. इट्स नॉट 1 kilo 400 grams. 1.25 kg. 1300 grams, somebody said.
अच्छा ठीक है, what is the weight of the brain of an ant? चींटी के सर का जो ब्रेन है उसका वेट क्या होता है? आप बैठिए प्लीज, क्या वेट है? तो बहुत छोटा होगा ना, पर चींटी भी तो जी लेती है नहीं? तो ये लड़ाई जिंदा रहने की लड़ाई है, कंपटीशन की लड़ाई है, या किसी और चीज की लड़ाई है? जिंदा तो चींटी भी रह जाती है, तो लड़ाई किस चीज की है? चींटी जब खाना खा करके अपने लिए रेनी डे के लिए खाना जमा करती है, वो भी सक्सेस है। आपका सक्सेस क्या है? एक बात बताइए, आप में से हर किसी को लगता है कि आप अपने मम्मी पापा से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे मैंने बोला, ज्ञानी नहीं बोला, पढ़े लिखे। आपने ज्यादा एजुकेशन कम लिया है? मोस्टली हमारे जेनरेशन से पहले के लोगों से हमने ज्यादा एजुकेशन लिया है। ओके, आई एम नॉट सेइंग नॉलेज और लर्निंग, आपको ऐसा लगता है? आप सब इंजीनियर्स हैं? सबके मम्मी पापा इंजीनियर्स हैं? नहीं है ना? सो यू हैव ग्रोन इन लाइफ, राइट? व्हाट इज सक्सेस? तो सक्सेस किस चीज का है? सक्सेस कहां ढूंढोगे बताइए पीछे से, व्हाट इज सक्सेस? यस, बोले जोर से चिल्लाइए, माइक को वेट मत कीजिए। सर आज आप वहां पे खड़े हो, कल मैं वहां पे खड़ा रहूंगा, ये मेरे लिए सक्सेस है। ओके, अच्छा अभी खड़ा कर देता हूं, आइए। आ जाओ, और बताइए। ठीक है, इट्स फाइन। और बताइए, व्हाट एल्स इज सक्सेस? सैटिस्फैक्शन। ओके, ग्रोन अप इन आवर ओन वे। हाँ, ग्रोन अप इन आवर ओन वे। हाँ, अच्छा सुनो, अब प्रॉब्लम यह है ना कि मैं एचआर में हूं, ठीक है ना? तो एचआर में हम लोग क्या करते हैं, हर साल के एंड में एक बार अप्रेजल करते हैं लोगों का, है ना? कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, है ना? मनीष विल एग्री विद मी, हम लोग अप्रेजल करते हैं, और ये अप्रेजल वाला टाइम है। तो अप्रेजल के टाइम में ना एक तरीका होता है, उसमें सेल्फ इवैल्यूएशन बोलते हैं। जो इंसान अपना इवैल्यूएशन करता है, एक कागज में या शीट में डालता है, डाल के अपने मैनेजर को भेजता है, बोलता है कि मेरे को लगता है कि मैं ऐसा हूं। अब मैनेजर वो देखता है, बोलता है ये तो कोई और ही इंसान है, तुम तो ऐसे हो नहीं, है ना? तो सेल्फ इवैल्यूएशन के टाइम पे अपन क्या करते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं अपने बारे में, बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, है ना? तो आप जैसे बोल रहे हो ना, किसी भी चीज का मापदंड अगर आप नाप नहीं सकते तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप हार्डवर्क पे बिलीव करते हो, हार्डवर्क को आप नाप सकते हो क्या? तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बिलीविंग इन योर सेल्फ नाप सकते हो, नाप सकते हो। पंक्चुअलिटी नाप सकते हो, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो सेल्फ लर्निंग और मोटिवेशन वाली किताबों में लिखा होता है ना, यू शुड बी एबल टू डू दिस, अब वो कोई और होता है जो बोलता है यू शुड बी एबल टू डू दिस, विल यू बी एबल टू डू दिस बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैथ्स में 99% लाना है, क्योंकि मैं लाता था, और अगर आपको मेरे जैसे बनना है तो आपको लाना पड़ेगा, आप ला सकते हो? गुड इफ यू कैन, इफ यू लाइक मैथ्स। माय पॉइंट इज, सक्सेस के दो पैरामीटर्स होते हैं। एक, हर रोज नापो कि कल मैं कैसा था और आज मैं कैसा। कंपटीशन कभी भी किसी के साथ मत करो, अपने आप के साथ करो। आप किसी और के तरह बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप अनोखे हो, आपकी टैलेंट अनोखी है,
आपको कुछ सिखाने के चक्कर में हम आपके नेचुरल टैलेंट को बिगाड़ते हैं। इस कॉलेज में क्या कर रहे हैं हम? इस कॉलेज में हम आपको स्किल्स सिखा रहे हैं, हम इस कॉलेज में आपको टेक्निक सिखा रहे हैं, हम इस कॉलेज में आपको टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना हम सिखा सकते हैं क्या? सर सिखा सकते हैं क्या उसको अप्लाई करना? सर आपको साधन लाके दे सकते हैं, सर पांच कंपनियां लाके दे सकते हैं, पांच कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए कनन मैडम आपको तैयार कर सकते हैं, लेकिन उस कंपनी में सक्सेसफुल आपको बना सकते हैं क्या? कर सकते हैं? तो वो कैसे होगा? ये देख करके कि उस कंपनी में इस बंदे को 1000 रुपए 1,00,000 रुपए सैलरी मिलता है, मुझे भी चाहिए, क्या आप उस तरह से ग्रो कर पाओगे? सो फर्स्ट, इंप्रूव योरसेल्फ एवरी डे बिट बाय बिट बाय बिट। सेकेंडली, अपने लिए मेजरेबल टारगेट्स रखें। ये हार्डवर्क के पीछे मत भागो, ऑनेस्टी के पीछे मत भागो, मेजर करो। हार्डवर्क म्हणजे काय? मैं हर रोज 1 घंटा पढ़ता हूं, इस साल से मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, दैट इज हार्डवर्क का मेजरमेंट। मेजर कर से आप सब इंजीनियर बनने जा रहे हो ना, मेजरमेंट आनी चाहिए ना, तो मेजर करो हर चीज को। तीसरी चीज, ये थोड़ा आपको बुरा लगेगा जब मैं बोलूंगा ये तीसरी चीज, बस बहुत जरूरी है। 7 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ के ना एग्जाम पास कर लोगे, लर्निंग नहीं आएगी। गाइड बुक पढ़ के ना एग्जाम पास कर लोगे, लर्निंग नहीं आएगी। किसी कंपनी में एंट्री मिल जाएगी, उस कंपनी में ग्रोथ नहीं मिलेगी। आपको पता है इंडिया में कितने आईआईटीज हैं? कितने आईआईटीज हैं? कितना? जितने भी हैं टोटल आईआईटी के पास परसेंटेज क्या होता है? कितने लोग पास करते हैं आईआईटी से? ये क्वेश्चन डाइस की तरफ भी है, कितने लोग आईआईटी से पास करते हैं? व्हाट इज द परसेंटेज? 50%। क्या आईआईटी में सिलेक्ट होने का मतलब है कि 100% लोग पास करते हैं? आईआईटी में जितने लोग पास करते हैं, व्हिच इज समवेयर अराउंड 82%, I am talking about 2018-19 data. उसमें से सालाना 15 लाख कमाने वाले कितने परसेंट लोग होंगे जो साल में 15 लाख कमाते हैं? कितने परसेंट होंगे? कहते हैं ना कि IIT से निकले तो बस बिल्कुल एकदम लाइफ सेट, 50 लाख पर एनम सैलरी से स्टार्ट करोगे, लेकिन 15 लाख पर एनम कमाने वाले कितने लोग हैं? Close to about 50-55%. You are right, ma'am. Close to about 50-55%. So, मापदंड सक्सेस का आईआईटी नहीं है, मापदंड सक्सेस का आईआईएम नहीं है, मापदंड सक्सेस का आप खुद हो। आप एक इंस्टीट्यूशन में हो जिस इंस्टीट्यूशन के जो सेक्रेटरी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो फैकल्टी हैं, इतने डेडिकेटेड हैं, I can bet my job on all of this. मैं IITs में जाता हूँ recruitment के लिए, मैं IITs में जाता हूँ लोगों को hire करने के लिए, talk देने के लिए। मैंने IITs के faculty को, IIT के किसी भी teacher को इतना dedicated नहीं देखा है। तो आपके पास जो advantage है ना, वो IITians के पास नहीं है। Think about it from that perspective. You don't think कि मैं IIT में नहीं हूँ। तुमको जितना पर्सनल केयर और अटेंशन मिल रहा है, यू डोंट गेट दैट इन IIT। यू आर इन IIT बिकॉज यू आर नेचुरली ब्राइट। हियर यू आर बीइंग शोन द वे हाउ यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ एवरी डे। आर यू इंप्रूविंग योरसेल्फ एवरी डे? ये क्वेश्चन का जवाब नहीं देने का, ये क्वेश्चन का जवाब अपने आप को देने का, इससे कोई इंटरव्यू पास नहीं करने का, इससे कुछ नहीं करने का। सिर्फ ये सोचो कि हर रोज कुछ बेटर कर रहा हूं क्या। ठीक है, लास्ट बात खत्म करने से पहले आपको इतना ही बताऊंगा कि कोई भी काम करोगे ना, वो काम हमेशा अच्छा लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है।
कोई भी काम करोगे हमेशा अच्छा लगेगा जरूरी नहीं है। घर में मम्मी खाना बनाती है तो सारा मम्मी के हाथ का सब खाना अच्छा होता है ऐसे जरूरी नहीं है, होता है क्या? होता है मम्मी के हाथ का सारा खाना अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। लेकिन जिस दिन बुखार होता है, सर्दी खांसी होती है, उस दिन मम्मी को बोलते हैं ना कि ये वाला डिश बना के दो, जो मम्मी के हाथ का सबसे अच्छा डिश होता है वो बोलते हैं ना कि वो बना के दो मेरे को। जिस दिन बीमार होते हैं वो बोलते कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब अपना माइंड थोड़ा लो होता है, थोड़ा लो फील कर रहे होते हैं, तो किसी अच्छे चीज से उस चीज को उभारने की कोशिश करते हैं, उस जगह से उभारने की अपने आप को कोशिश करते हैं। तो जिंदगी में भी हमेशा ना कोई भी चीज अच्छी नहीं रहेगी हमेशा, ठीक है? जिंदगी में हमेशा कोई भी चीज अच्छी नहीं रहेगी। अगर आपको ये बोले कि आपकी जिंदगी पूरी जिंदगी ब्राइट रहेगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। ह्यूमन बीइंग इज नॉट बॉर्न टू बी कंटेंट ऑलवेज। व्हाटएवर जॉब यू डू, उस जॉब में कुछ चीजें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें आपको बहुत बुरी लगेंगी, कुछ चीजों से आपको घिन आएगी। सारा पैकेज मिलाकर के जिंदगी होता है। जब आपको वो लो फेज से जाते हो तो जो जैसे मम्मी के हाथ का वो डिश याद आता है ना कि आपको बुखार में अच्छा लगता है, तो ऐसा चीज जो करने में आपको खुद अच्छा लगता है वो करो, ताकि उस डिप्रेशन से बाहर निकलो, ठीक है? पढ़ते पढ़ते एकदम बोर हो गया, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, गिटार बजाने का मन कर रहा है, रात को 2 बजे है, कोई बात नहीं, गिटार बजाओ, कम आउट ऑफ दैट, बट इंप्रूव एवरी डे, ओके? और जाने से पहले इतना ही कहूंगा, यू आर ब्यूटिफुल चिल्ड्रन, यू आर ब्यूटिफुल चिल्ड्रन, आई हैव नॉट सीन इन मेनी डेज सो स्पिरिटेड सोल्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। जब भी बुरा लगे, मन खराब हो, लगे कि बस और पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करके क्या होगा, मेरे पापा जब मैं ऐसे छोटा था ना, किसी चीज के लिए जिद करता था, अच्छा नहीं लगता था, किसी चीज की जिद करी, माँ बाप ने दिया नहीं, गुस्सा आया, तो मेरे पापा मेरे को रेलवे स्टेशन लेके जाते थे। रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे सोए हुए अधनंगे बच्चों की तरफ दिखाते थे और बोलते थे, बेटा इनसे तुम बेटर हो। तो जिंदगी में जब डिप्रेस्ड फील करो तो कभी अपने लिए एक रेलवे स्टेशन ढूंढने लगा जहां अपने से कमजोर लोगों को देखो, और उसमें से एक बंदे को कभी ना कभी जिंदगी में हेल्प करने की कोशिश करो, जिंदगी सुधर जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। नाउ मूविंग फॉर द मोमेंट फॉर विच वी ऑल आर वेटिंग फॉर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन द डायस। सो मूविंग फॉर द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन फॉर पॉलिटेक्निक, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Sarvesh Pansgare from Government Poly Amravati. He has got the first prize in Poly Mechanical. Come first. He's going to get first prize as a laptop.